अरे गाड़ी छोड़। पीछे आ जाओ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मेरी यात्रा कुछ लंबी हो रही है अब की बार। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक जा पाऊँगा, क्योंकि आगे काफ़ी बारिशें हो रही हैं और लैंडस्लाइड्स का भी डर है। खासकर उस रूट पे जो बद्रीनाथ हाईवे है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये मैंने दूसरी टैक्सी पकड़ी है, पहले मैं बीजी के साथ आया हूँ कांसके तक, और अभी नरी भाई के साथ जा रहा हूँ। ये मुझे पौड़ी ड्रॉप करेंगे। पौड़ी से आगे फर्दर देखते हैं क्या मिलता है, टैक्सी मिलती है, बस मिलती है या फिर कुछ और मिलता है। मैं पहुंच चुका हूं कंडोलिया। मैं पहुंचने वाला हूं पौड़ी। ऑलमोस्ट पौड़ी पहुंच ही गया हूं। ये पौड़ी है। और मैं पौड़ी पहुंच चुका हूं। अभी यहाँ से मेरी मंजिल आगे है। यहाँ से मैं टैक्सी लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से श्रीनगर जाऊँगा। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे चाय पीऊँगा, क्योंकि मुझे एक दिन कांसकेत में रुकना था, लेकिन वहाँ पे एकदम मुझे गाड़ी मिल गई इसलिए मैं वहाँ पे रुका नहीं। भैया चाय मिलती है? वाह, मुझे एक दुकान मिल गई है। भाई साहब चाय बना रहे हैं। वाह भाई साहब रोटी बना रहे हैं। रोटी भी है, चौसा भात भी है। चौसा भात भी? चौसा भात मतलब चाय सोनी? अच्छा चाय सोनी है। तुम्हें तो फिलहाल तो तुम्हें चाय पिला। ये है पौड़ी की चाय। चलो धन्यवाद रावत जी। ये रावत जी हैं और ये चूचा गांव के हैं। चूचा गांव में मैं एक रात रह चुका हूँ आज से 22-25 साल पहले। फिर मैं यहाँ से टैक्सी पकड़ूंगा और टैक्सी पकड़ के फिर मैं जाऊँगा अपना श्रीनगर। ये श्रीनगर कदू देरा रास्ता चिकबड़े श्रीनगर? एक घंटा आरवा के बेटा। करण प्रयाग मानी दो ढाई घंटा। वो बेटा क्या बोले, मतलब बस मिले ली या टैक्सी मिले? टैक्सी भी मिल जाने। हाँ श्रीनगर बेटा मतलब टैक्सी जल्दी पहुँचा ना मेरा। हाँ जी, मुझे टैक्सी तो मिली नहीं है, मुझे बस मिल गई है। मैं बस में बैठ रहा हूँ फर्स्ट टाइम, काफ़ी टाइम बाद मैं बस की सवारी कर रहा हूँ आज। ये बस रुद्रप्रयाग तक जाएगी, फर्दर उससे आगे देखता हूँ मैं, उससे आगे क्या कन्वेंस मुझे मिलता है। मैं कहा चलो जहाँ तक कन्वेंस मिलता है वहाँ तक तो निकल जाए, क्योंकि टैक्सी अभी काफ़ी टाइम लगेगा टैक्सी वाले को, क्योंकि उसमें अभी सवारी थी नहीं, मैं अकेला सवारी था। जब तक उसके पास 10 सवारी नहीं होंगी तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बस दिखी मुझे तो बस में बैठ गया हूँ। आगे रुद्रप्रयाग उतरूँगा, वहाँ से फिर
आगे बस मिले या टैक्सी मिले, लेकिन अभी मैंने सुना कि आगे रोड खराब है, देखते हैं। आज तो बुरे फंस गए, बहुत लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, पिछले आधे घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं। अब कहानी आगे क्या है कुछ कह नहीं सकते, मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा लंबा जाम है ये। बारिश भी हो रही है और लैंडस्लाइड भी हो सकती है वहां पे। यही स्पॉट है, यहाँ से जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी तक पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। ये पूरा रोड ब्लॉक है बिल्कुल सामने, और यहाँ ऊपर से अभी तक पत्थर गिर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे भी है मशीन, हालांकि मशीन खड़ी है उधर साइड में। सामने मशीन खड़ी है लेकिन मशीन भी इंतजार कर रही है कब ये पत्थर रुकेंगे, क्योंकि जब ये पत्थर रुकेंगे उसके बाद मशीन वाला भी तभी काम शुरू करेगा। और यहाँ पे जगह आप देख सकते हैं, नीचे ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और नीचे ये अलकनंदा नदी है, ये देखो अभी तक पत्थर गिर रहे हैं। ये देखो कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, ये सब ट्रैफिक जाम लगाओ पीछे सब सवारी हैं जो कि आगे जाएंगे। ये मशीन जेसीबी, अब जेसीबी अपना काम शुरू करेगी, जेसीबी आ गई है, हालांकि पत्थर तो अभी भी गिर रहे हैं। दोनों साइड से मशीन लगी हुई है, एक उस साइड से भी लगी है और इस साइड से भी लगी हुई है, लेकिन अभी पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। अगर पत्थर गिरने बंद हो जाएंगे तो ये तो 10 मिनट का काम है मशीन का, साफ करना, रास्ता बनाना, लेकिन अभी तक इस चट्टान से पत्थर गिर रहे हैं। दो दो मशीन लगी हुई हैं, एक पल्ली साइड से एक इधर साइड से। अब ये सारा मलबा जो है नीचे अलकनंदा में जा रहा है। रास्ता तो साफ कर दिया है, अब लोग ये पहले टू व्हीलर वाले जा रहे हैं, अभी मशीन अपना काम तो कर दिया है, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है, पत्थर अभी भी गिर सकते हैं।
पीछे जाओ पीछे जाओ ओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। अरे छोड़ दो गाड़ी पीछे जा। अरे गाड़ी छोड़ पीछे जाओ पीछे ले। ओए ओए ओ माय गॉड ये देखो ओए ओए गया स्कूटर इतना रिस्क ले माय गॉड उसकी स्कूटर गई चल बच गया कोई बात नहीं स्कूटर गया यार कोई बात नहीं अगला तो पैगल उसको बोल भी रहे पीछे ले ले उसको बोल भी रहे पीछे ले ले इतना रिस्क लिया उसने है? मेरी गाड़ी हो उस, से निकाल गया रहा। उसको अभी बोला उसको पीछे ले ले ये लो अभी साफ किया था फिर ये स्कूटर तो गया उसका ये उसको बोला भी पीछे ले ले उसको अगर आता आगे आता रिस्क था उसके लिए उसको बोला था पीछे ले लेता बच गया वो अरे शादी इधर लड़की लेडीज है पैदर पैदर है ना लेडीज है उसके साथ पीछे ये देखो ये गाड़ी वहाँ पे उसका स्कूटर गिरा पड़ा है ये लोग रिस्क लेके जा रहे हैं उसका स्कूटर उठाने स्कूटर का तो काफी डैमेज हो गया वैसे उस तो नया स्कूटर का था आज ही शोरूम से लेके आ रहा था बंदा पर बच गया बंदा बस इतना ये स्कूटर तो कोई दिक्कत नहीं यार स्कूटर की कीमत जो है इंसान से ज्यादा थोड़ी नहीं होती अभी ये लोग जा रहे हैं वहाँ उसका स्कूटर आगे 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ अरे इधर आओ इधर आओ उठा लो स्कूटर उठा लो उठा लो उठा ले ओ भाई आ गया आ गया भाग ले ओ बच गया साहब बंदा बच गया भाई ये बंदा भी बच गया और ये ट्रैफिक फिर दोबारा शुरू हो गया एक बस तो निकल गई है भगवान करे ये फिलहाल ठीक ऐसी रहे ये तो बड़ा आराम से एक एक वन बाय वन जाओ वन बाय वन अब मैं दूसरी साइड आ गया हूँ 447 आगे आ रहा हूँ आगे आ रहा हूँ आगे मेरी बस निकल गई है मुझे आगे जाना है मैं दौड़ रहा हूँ क्योंकि वो जॉन ही ऐसा है रुको रुको वेट 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 चलो चलो देख रहे यार बाजी तुम अरे यहाँ तुम कहाँ अभी हम पीछे 4 घंटे फंस के आए हैं फरासू में और यहाँ भी फंस गए हैं यहाँ देखो यहाँ भी जेसीबी लगी हुई है वाह क्या किस्मत है यार क्या किस्मत है ये है वो दूसरी जोन लैंडस्लाइड की यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम है अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है पता नहीं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है हल्का है यहाँ पे खैर ये तो आसानी से निकल जाएगा यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे मैं सुबह 7 बजे का निकला हूँ घर से लेकिन मेरी मंजिल अभी पता नहीं कितनी दूर है भगवान जाने अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो रास्ते में रात काटनी पड़ेगी ये पूरा ट्रैफिक जाम आप देख रहे हैं ये भी लंबा जाम होने वाला है नहीं ले फुलके दे छेती कर तू बोल तो छेती छुदी नहीं बोले हां नहीं बोले अंगड़ ले को ये मैंने दूसरी बस चेंज की है मुझे आगे मेरी डेस्टिनेशन कहीं और है शिफ्ट किया गया है इस दूसरी बस में एक सीधा करण प्रयाग की है आगे भगोड़ा जी वेट कर रहे हैं मेरा लेकिन किस्मत खराब है वैसे आज का दिन आज का दिन खराब है और रुद्रप्रयाग भी क्रॉस करने वाला हूँ बहुत वक्त लग गया और शुक्र है कि यहाँ तक पहुँच गया हूँ
जा रहा हूँ। गेमों की बस में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ बस चलाना भी एक बहुत टफ टास्क है, खासकर पहाड़ों में ऐसी रोड पे जहाँ नीचे नदी हो और ऊपर रोड हो। तो यहाँ पे देखो क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि आगे एक ट्रक आ रहा है उधर से। रोड काफ़ी संकरी है और नीचे अलकनंदा अपना स्वच्छंद विचरण करते हुए और सामने खूबसूरत पहाड़, हरे भरे पहाड़। ये रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे है, 1 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं हम रुद्रप्रयाग से, लेकिन यहाँ पे गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही है। अरे हमारे कंडक्टर भैया हैं। भैया आपका नाम? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह पूरा चकवाल। सुमेर सिंह चकवाल। चकवाल जी हैं, ये भी अपने पहाड़ी भाई हैं और वो भी पहाड़ी हैं। हाँ जी। क्या नाम उनका भाई जी? राकेश। अरे राकेश जी हैं हमारे ड्राइवर साहब। पंडित जी हैं। पंडित जी हैं। चलिए इन भाइयों ने बड़ा सत्कार से मुझे आगे अपने आगे अब केबिन में बुलाया है, कहता भैया केबिन में आ जाओ आप। वैसे सफ़र का मज़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही है क्योंकि आप फ्री होते हो, दोनों हाथ फ्री होते हैं। और मैं कई साल बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मोस्टली मैं अपने कन्वेंस में ही आता था, लेकिन इस बार मैंने यही सोचा है कि मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँगा ज़्यादातर। ये फाइनली मैं कर्णप्रयाग पहुँच गया हूँ। ये बस कर्णप्रयाग तक ही है। थैंक यू भाई जी, नमस्कार। यह है कर्णप्रयाग और ये मेरे भाई बहुगुणा जी। नमस्कार 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 दादा, कैसे हो? बहुत बढ़िया है। बहुत इंतजार कराया आपको है, देख लो ये जर्नी यादगार जर्नी बन गई है। सही कर यादगार जर्नी बन गई हमारी, देख लो। और बाकी बस बाकी सुबह 7 बजे का निकला हूँ, देख लो। तो कुछ चाय पाई नहीं ऊपर? हाँ सुबह से कुछ खाया नहीं। और ये मैं बहुगुणा जी के साथ बैठ गया हूँ उनकी बाइक में। अब मैं इनके घर जाऊँगा, इनके गांव आदि बद्री में। और ये है कर्णप्रयाग मार्केट। चाय सुबह से कुछ खाया नहीं, वहाँ पे ढाबा भी नहीं था। वहाँ पे जहाँ वो लैंडस्लाइड हुई ना, वहाँ पे ढाबा भी नहीं मिला, चाय तक का ढाबा नहीं मिला। तब कुछ नहीं खाया सुबह से, इस लैंडस्लाइड ने ऐसे फंसा दिया। अभी हम चाय पियेंगे यहाँ पे, कुछ हल्का सा नाश्ता लूँगा। नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या हाल छिन्न? खूब छावा? अच्छा अपना जो फर्स्ट पास बढ़िया जी ठोस जी चाय ना बे बी है तुम नहीं पीन किले साथ में चाय नहीं पीता। अब दूध दे दे क्या प्यार देता है? क्या प्यार में? हाँ चाय बनाओ, आओ बोलना जी। और मैंने पौड़ी में पी थी चाय, पौड़ी में चाय पी थी। और अभी ये बंद, भूख लग रही थी लेकिन अब ऐसा मना कर रहे, कहता भैया घर में खाना बना हुआ है तो घर में खाना खाऊंगा। ये 2 घंटे से इंतजार कर रहे भाई माया राम बोगड़ा जी मेरा। और दुकान भी इनकी अपनी जान पहचान की है भैया, अच्छा है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। अभी 2-4 दिन इधर ही हूँ मैं, आते रहेंगे आप, मिलते रहेंगे। ओके थैंक यू। अब चलते हैं बोगड़ा भाई जी के साथ उनके गाँव।
यहाँ से एक लड़का गिर गया था तो बाइक ना बाइक में हाँ पर अच्छा वो दारू पी एक चोट हुआ यहाँ यहाँ हाँ इधर यहाँ टकराई ना वो हाँ सीधा नहीं पहला हुआ पहले मर गया एकदम एक तो हमें बहुत डर था जी हाँ अच्छा अच्छा अभी 6:30 होने वाले हैं, हम ही अभी पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल पे, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुणा जी के साथ में पीछे बाइक में बैठा हूँ। धन्यवाद बहुणा जी। अभी मैं पहुंच गया हूँ भाई के घर में। मकान तो बहुत लंबा चौड़ा भाई का, और इतनी सुंदर जगह पे मैं सही में कह रहा हूँ जन्नत है, यहाँ बहुत जन्नत है, इतना सुंदर है, मतलब जहाँ भी देखो पानी पानी, रोड से झरने, दुनिया भर के झरने बह रहे हैं, और भाई के घर के ठीक नीचे नदी है। थका हुआ हूँ तो अभी तो फिलहाल आराम करने का टाइम है, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिक में।